हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा हलवाई स्टाइल बर्फी, वो भी बिना मिल्क पाउडर, बिना चाशनी के, और सिर्फ 3 चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं बर्फी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसकी फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप या 2 कटोरी बेसन। यहाँ मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी कटोरी, गिलास मेजर करने के लिए, नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बेसन डालकर गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम मीडियम फ्लेम पे हम बेसन को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। हम इसमें घी, ऑयल किसी का भी इस टाइम पे यूज़ नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ बेसन को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो गया है, बेसन का कच्चापन खत्म हो गया है और इसके सारे मॉइस्चर भी अच्छे तरीके से सूख गए हैं। और आप देख सकते हैं बेसन के लम्ब्स भी अच्छे से टूट गए हैं। और अब हम बेसन में घी ऐड करेंगे। हम इसमें 3 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने जमे हुए घी का यूज़ किया, आप चाहे तो मेल्टेड घी, घी या मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। घी डालकर गैस का फ्लेम 3 से 4 सेकंड के लिए हम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और यहाँ मैंने जिस कप से बेसन लिया था, सेम कप से यहाँ मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा घी का यूज़ किया है। और घी डाल करके हम इसे अच्छे से बेसन में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आप घी की जगह वनस्पति घी या फिर कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आधा घी और आधा कुकिंग ऑयल का भी यूज़ करके आप इस बर्फी को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से घी में बर्फी बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया और फ्लेवरफुल होता है। और ये देखिए बेसन घी को अच्छे से सोख लिया है। हम इसे इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही कंटिन्यू घी में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। आप इसे कंटिन्यू 1 से 2 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से भुनेंगे तो जैसे जैसे बेसन भुनेगा वो अपने ही घी रिलीज करेगा। और आप देख सकते हैं बेसन को भूनते हुए घी के साथ लगभग 2 मिनट हो गए हैं और बेसन हमारा पहले से काफ़ी लूज हो गया है। और हम इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए भुनेंगे। जैसे जैसे बेसन भुनेगा इसका खुशबू पूरे किचन में महक जाएगा। और आप देख सकते हैं बेसन हमारे काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे अभी तक भुनने में लगभग मुझे 5 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं बेसन काफ़ी घी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। हम इसी तरीके से इसे 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे और आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो गया है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पैन के हीट में ही हम बेसन को अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे, जिससे बेसन हमारा जलेगा नहीं। और आप देख सकते हैं बेसन हमारा अच्छे तरीके से घी रिलीज कर चुका है। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और जितना हमने बेसन लिया था उसका आधा, मतलब 1 कप हम इसमें चीनी डालेंगे और फ्लेवर के लिए 2 इलायची डालेंगे। और अब हम जार का ढक्कन लगा करके इसे बिल्कुल महीन ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चीनी को अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए हमारा बेसन भी अच्छे से ठंडा हो गया है और अभी ये 50% ही ठंडा हुआ है। और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसके लिए हम एक इस तरीके का छन्नी लेंगे और इस पे ग्राइंड किए हुए चीनी डालेंगे। चीनी डालकर हम इसे छन्नी से अच्छे से छान लेंगे, जिससे चीनी के मोटे वाले पार्ट अलग हो जाएगा और इलायची का छिलका भी अच्छे से अलग हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने चीनी को अच्छे से छान लिया है और इसका इलायची के छिलके को अलग कर लेंगे। और अब हम चीनी को बेसन में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ या बंद ही रखेंगे। यहाँ मैं इसे गैस पे ही अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, आप चाहे तो इसे नीचे रख करके भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं।
और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्पैचुला से चीनी को अच्छे से बेसन में मिक्स कर लिया है और चीनी भी अच्छे से बेसन में मिक्स हो गया। हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे तो बेसन काफ़ी अच्छे से घी रिलीज़ करेगा और आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और ज़्यादा अच्छा और स्मूथ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बेसन हमारा बिल्कुल परफेक्ट चीनी में अच्छे से मिक्स हो गया है और बिना चाशनी बिना झंझट के हमारे हलवाई जैसा रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा। और अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर बटर पेपर डालेंगे। यहाँ मैंने प्लेट की साइज में बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसके ऊपर कटा हुआ आलमंड डालेंगे। आप चाहे तो पिस्ता काजू कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम बैटर डालेंगे। बैटर अभी गर्म है तो आप इसे स्पैचुला या चम्मच से ही डालें, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। और अब हम स्पैचुला से डाल करके बैटर को अच्छे से प्लेट पे स्प्रेड कर लेंगे या फैला लेंगे जिससे ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे अच्छे से इक्वली स्प्रेड करके फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। 10 से 15 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं बेसन का बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है और ये इजीली प्लेट से रिमूव हो रहा। और अब हम एक दूसरे बड़ा वाला प्लेट लेंगे और इसके ऊपर हम बेसन के बैटर को डालेंगे और इसे अच्छे से हम पलट देंगे और इसके ऊपर बैटर पेपर को हम रिमूव कर लेंगे। और ये देखिए बैटर पेपर हमारा इजीली रिमूव हो गया है। और अब हम एक नाइफ या चाकू से इसे इक्वल साइज में कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं बर्फी हमारा कितना स्मूथ बनके तैयार हुआ है जिससे ये चाकू से बहुत ही ईजिली कट रहा है। और अब हम इसे बिल्कुल बर्फी या आप इसे मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। मैं इसका बर्फी बना रही हूँ तो मैं इसे बर्फी का शेप में कट करूँगी। आप चाहे तो इसका कतली के भी शेप में कट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बर्फी हमारा बिल्कुल बाजार जैसा बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे चलिए प्लेट में सर्व कर लेते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ बिल्कुल बर्फी हमारा मार्केट स्टाइल बनके तैयार हुआ है। और अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। आपका जब भी मीठा खाने का मन हो तो इस तरीके का आप बर्फी घर पे इंस्टेंट बना सकते हैं। ये बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, त्री करवा चौथ दिवाली, आप इस फेस्टिवल में इस तरीके से इंस्टेंट सिर्फ 10 मिनट में बाजार जैसा महंगा और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई घर पे बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं बर्फी हमारा बिल्कुल मक्खन की जैसा स्मूथ और मुंह में घुल जाने वाला बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं एक और नए रेसिपी में, तब तक आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस और फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।